करोती। दिव्यांगता की सेवा में हमेशा तत्पर। अब श्रवण जांच केंद्र की स्थापना कर ऑडियोमेट्री के माध्यम से सुनने में तकलीफ, कम अथवा ऊंचा सुनाई देना, कान में सीटी बजना, बातों को दोहरा कर पूछना, इन समस्याओं के लिए श्रवण जांच केंद्र की स्थापना की गई है, जिसमें कुशल ऑडियोलॉजिस्ट के निर्देशन में अत्याधुनिक उपकरणों से सुनने के स्तर की जांच व उसका निदान किया जाता है। साथ ही स्पीच थेरेपी भी दी जाती है। किसी भी कान की समस्या से परेशान है तो कल्याण करोती सरस्वती कुंड के पास मथुरा में संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9897203030 और 9760203030। पेश है टीवीएस बम्पर ऑफर्स, पाइए 2100 रुपए की निश्चित छूट, 3000 रुपए का एक्सचेंज बोनस और 10000 रुपए तक बचत। शुक्रवार की सुबह थाना कोतवाली के कंकाली रोड स्थित ICICI बैंक से लाखों रुपए की नकदी निकाले जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को गोपाल कौशिक नामक व्यक्ति के खाते से ठगों ने लिमिट बढ़वाने के नाम पर कुछ डॉक्यूमेंट मांगे। बैंक का कर्मचारी बनकर लिमिट बढ़वाने आए ठग ने कागजात मांगे, जिसको लेकर खाता धारक ने अपने कागज दे दिए और उसके बाद से पीड़ित के खाते से 2,10,000 रुपए निकल गए, जिसकी सूचना उसे तब लगी जब अकाउंट से रुपए निकलने का मैसेज उसके मोबाइल पर आया, जिसको लेकर पीड़ित बैंक पहुंचा, परंतु तब तक ठग वहां से रुपए लेकर फरार हो चुके थे। ताज्जुब वाली बात ये थी कि ठग वहां बैंक कर्मचारी बनकर सक्रिय रहे, लेकिन किसी भी बैंक कर्मी को इसका एहसास भी नहीं हुआ। बहरहाल पीड़ित ने इसकी शिकायत बैंक कर्मचारियों से की है और इस विषय में जानकारी भी दी। आपका? मेरा नाम गोपाल कौशिक है। कौशिक जी, क्या मामला है? मेरा अमित तोमर एक ICICI बैंक से दिल्ली से कॉल आया था। मेरी अकाउंट ICICI बैंक का करंट अकाउंट, तो उन्होंने बोला था कि इस पर लिमिट बनी हुई है, आपकी 25,00,000 रुपये लिमिट बढ़ जाएगी। तो उन्होंने पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स लिए थे उनकी साइड से। फिर मेरे पास में राहुल नाम का लड़का आया और उसने वो सारे डेटा लिए और मुझसे 3 चेक लिए, जो कि मैंने भर करके ICICI बैंक प्राइवेट लिमिटेड भर के अकाउंट पे चेक दिए कैंसिल लिख करके। लेकिन जो है मेरे अकाउंट से बगैर विदाउट इन्फॉर्मेशन है, कोई कॉल नहीं है, 2,10,000 मेरे अकाउंट से मॉर्निंग में ICICI बैंक के साइड से वो डेबिट हो गए। मैंने पता चला ICICI बैंक मैनेजर को कॉल किया, तो उसके बाद मेरा अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। ये कोई बड़ा रैकेट है बैंक का, जिसमें बैंक के लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, पता नहीं इसके। तो क्या बैंक का फॉल्ट है इसमें? हाँ, बैंक का फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि मेरे पास में कोई भी 2,10,000 रुपये तो किसी भी तरह कोई भी कॉल नहीं आया है पूछने के लिए कि सर आपका पेमेंट डिस्बर्स कर दें या क्या कर दें। तो आपने FIR कराई? FIR तो मैं जस्ट आज सुबह का मैटर है, तो मैं अभी जा रहा हूँ FIR करने।